सबसे पहले राज मिश्रा जी आपके पास में आना चाहूंगी और ये समझेंगे क्योंकि उपछाया चंद्र ग्रहण इसे माना जा रहा है जो इस वक्त लग रहा है, तो क्या सूतक काल मान्य होगा? क्या हमें इसके लिए कुछ विशेष प्रक्रिया करने की जरूरत है जो कि आमतौर पर हम देखते हैं कि ग्रहण के दौरान करनी होती है? सूतक काल मान्य होगा या नहीं, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ भारत में यह सिर्फ उपछाया रूप में दिखाई देगा, बट अगर हम बाकी विश्व की बात करते हैं, हम बात यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लेते हैं या हम यूएसए की बात कर लेते हैं या अफ्रीकन कंट्रीज की बात कर लेते हैं, तो वहां पूर्ण रूपेण ग्रहण है। भारत में उपछाया ग्रहण है, इसलिए भारत के अंदर इसके सूतक इत्यादि का विचार नहीं किया जाएगा। भारत में जो धार्मिक कृत्य हैं वो प्रॉपर उसी प्रकार से चलते रहेंगे जैसे चलने चाहिए। भारत के अंदर जो भी जैसे प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं उनको विशेष रूप से कहा जाता है कि आपको विशेष सावधानी रखना है, तो भारत के अंदर ग्रहण पर किसी प्रकार का जो धार्मिक इंपैक्ट है वो नहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जनरल इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन विश्व के अंदर, क्योंकि आपका चैनल पूरे विश्व के अंदर देखा जाता है, तो जो लोग बाहर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वहां पर हर एक चीज का पालन करने की आवश्यकता है, सूतक काल के पालन की आवश्यकता है, ग्रहण में जो जो सावधानियां रखनी है, जैसे प्रेग्नेंट महिला को तेज आवाज में टीवी नहीं देखना चाहिए, कुछ तोड़ना नहीं चाहिए, कुछ काटना नहीं चाहिए, जोर से बोलना इत्यादि नहीं चाहिए, उस टाइम पर खाना इत्यादि नहीं खाना चाहिए, तो उन सभी विषयों का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन यदि मैं भारत के अंदर बात करूंगा, भारत में भी हर जगह ये उपछाया रूप में नहीं काम करेगा। भारत में जनरली पंजाब के कुछ क्षेत्र हैं, हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं जहां पर ही उपछाया ग्रहण के रूप में दिखाई देगा, दिल्ली इत्यादि के अंदर तो उपछाया का भी कोई प्रभाव नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में भारत में इसकी वो नहीं है, विदेश के अंदर जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी जी, तो संजय जी आपके पास आना चाहूंगी और जाना चाहूंगी क्योंकि आज से पितृपक्ष भी शुरू हो रहे हैं, साल जो है पहला श्राद्ध है आज, और इस दिन जो है जैसा कि पंडित जी ने बताया कि भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई ऐसा समय, क्योंकि सुबह 6 बजे से लग रहा है 10 बजे तक ही रहेगा, जो पीक टाइम होता है वो क्या समय है? जी देखो, जो भी चंद्र ग्रहण होता है वो 9 घंटे पहले उसका सूतक प्रारंभ हो जाता है, तो प्रारंभ होने के पहले से ही जैसे भारत में हम मान नहीं रहे पर क्या है कि ब्रह्मांड पूरा एक ही ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड में कोई भी राशि अगर विचरण करेगी तो उसका प्रभाव मानव जीव पर अवश्य होगा। चाहे भारत की बात करें, भारत पे हम कहेंगे कि नहीं होगा पर भारतीयों पर अवश्य होगा, क्योंकि ग्रहण जो होता है अगर पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी ग्रहण गह रहा है तो उसका उन राशियों के ऊपर अच्छा और बुरा प्रभाव अवश्य होता है। आप देखें पूर्णमासी के दिन जो है हमेशा जो है चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि पूर्ण चंद्रमा जो है वो दिखाई देता है तभी हमें प्रदर्शित हो जाता है कि ग्रहण है और आज राहु और चंद्रमा एक ही घर के अंदर विराजमान होकर के बैठे हुए हैं। तो उसमें नक्षत्र जो है गुरु के नक्षत्र में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, उसी नक्षत्र में ग्रहण गह रहा है और राशि भी जो है मीन है, बृहस्पति की ही राशि है, उसमें गह रहा है। तो कहते हैं कि ये जो ग्रहण होता है इनका सभी राशियों के ऊपर, कोई भी राशि है उसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव अवश्य पड़ता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड में राशियां नाम सब कुछ जो है ब्रह्मांड के हिसाब से चलता है। अगर भारतवर्ष की बात करें तो ग्रहण का प्रभाव कम होगा पर राशि और मानव जीव पशु पक्षु जीव जंतु प्रकृति नेचर सबके ऊपर प्रभाव होता है। आप देखें समुद्र जो है वो ऊपर आएगा ही आएगा, क्योंकि चंद्रमा जो है पूरे ब्रह्मांड में जो है पृथ्वी के समीप आ जाता है इस वक्त, तो इसलिए ग्रहण का प्रभाव निश्चित रूप से होना संभव है। जो ग्रहण 6:12 से 10:47 तक रहेगा, तो इसके बीच का जो समय रहेगा 8:14 के आसपास जो है ग्रहण का ज्यादा प्रभाव मान्य होगा। और भारतवर्ष में हम कहते हैं कि अटलांटिक से लेकर के और कनाडा तक का जो क्षेत्रफल है इसके अंदर जो है ये ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा मान्य होगा।